तो नमस्कार, एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं। आईपीएल 2023 में जब गुजरात के घर में पहुंची केकेआर, तो ऐसा लग रहा था कि शायद गुजरात अपने घर में केकेआर को हरा देगी। और जिस तरीके से गुजरात ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 से ज्यादा का रन टारगेट दिया और केकेआर के जिस तरीके से शुरुआती विकेट गिर चुके थे, ऐसा लग रहा था कि शायद केकेआर इस मुकाबले को हार जाएगी। लेकिन मैदान पर तूफान आना बाकी था, मैदान पर रिंकू सिंह का आज जलवा देखना बाकी था, वो इतिहास होना बाकी था जिस इतिहास के बारे में इस वक्त चर्चा की जा रही है। दरअसल जब आखिरी ओवर में 28 रनों की जरूरत थी, तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि रिंकू सिंह जिता देंगे, लेकिन रिंकू सिंह ने लगातार 5 छक्के लगाकर इस मैच में कमाल कर दिया। लेकिन इस मैच के 5 हीरो, जो केकेआर की जीत के 5 हीरो थे, उनकी मैं चर्चा करूंगा। सबसे पहले हीरो रिंकू सिंह, जाहिर तौर पर, क्योंकि इससे बड़ा हीरो कोई नहीं हो सकता। जो काम कभी किसी ने नहीं करके दिखाया, वो काम रिंकू सिंह ने करके दिखाया। और रिंकू सिंह की इस बल्लेबाजी के बाद विराट कोहली की याद आने लगी, क्योंकि विराट कोहली को आपको याद होगा T20 विश्व कप में पाकिस्तान के खिलाफ 18 गेंदों पर 48 रनों की जरूरत थी, और आज केकेआर को भी 18 गेंदों पर 48 रनों की जरूरत थी। तो वही कारनामा था, वही माहौल था, और उसी तरीके का अंजाम हुआ। उस मैच में विराट कोहली ने करके दिखाया, इस मैच में रिंकू सिंह ने करके दिखाया। दूसरे हीरो के तौर पर आज मैं रखना चाहूंगा वेंकटेश अय्यर। कमाल की बल्लेबाजी करी, एक छोर पर खड़े होकर जो तूफानी अंदाज में उन्होंने शुरुआत में बल्लेबाजी करी और नींव रखी जीत की, वो कहीं ना कहीं बहुत बेहतर थी। तो आज वेंकटेश अय्यर भी जीत के हीरो रहेंगे। तीसरे हीरो के तौर पर मैं रखना चाहूंगा आज सुनील नरेन को। 3 विकेट चटकाए, गेंदबाजी में कमाल करके दिखाया, मध्यम क्रम में गुजरात की टीम को परेशान करके रखा। 3 विकेट बहुत बड़ी बात होती है गुजरात के और गुजरात के घर में। तो जाहिर तौर पर तीसरे हीरो के तौर पर मैं रखना चाहूंगा सुनील नरेन को। चौथे हीरो के तौर पर मैं रखना चाहूंगा कप्तान नीतीश राणा। हाफ सेंचुरी नहीं लगा पाए, लेकिन आज एक अच्छी और इंपैक्टफुल पारी नीतीश राणा ने खेली। तो तौर पर नीतीश राणा भी मेरे एक हीरो के तौर पर रहेंगे। और पांचवे हीरो के तौर पर नौजवान सुयश शर्मा। जी हां, अभिनव मनोहर को उन्होंने आउट किया था और कमाल की गेंद पर उन्होंने बोल्ड किया। तो जाहिर तौर पर सुयश शर्मा भी एक जीत के हीरो हैं। लेकिन जो कारनामा रिंकू सिंह ने किया, जो काम रिंकू सिंह ने मैदान पर किया गुजरात के खिलाफ आखिरी ओवर में 28 रन बनाकर, जाहिर तौर पर उसको कभी भूला नहीं जाएगा। केकेआर के इतिहास में जिस काम को कभी रसेल नहीं कर पाए, वो काम रिंकू सिंह ने करके दिखाया। कभी कोई बल्लेबाज नहीं कर पाया, धोनी नहीं कर पाए, डिविलियर्स नहीं कर पाए, आज तक कोई भी बड़े से बड़ा फिनिशर आईपीएल के इतिहास में इस काम को नहीं कर पाया, जो काम आज रिंकू सिंह ने करके दिखाया है। तो आपका केकेआर की जीत पर और केकेआर की जीत के 5 हीरो पर क्या कहना है, रिंकू सिंह की बल्लेबाजी पर क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।